हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी प्लांटेशंस। आज मैं आपको स्नेक प्लांट के वास्तु बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट थिंग, हम बात करते हैं कि स्नेक प्लांट हम जनरली इंडोर्स में लगाते हैं या फिर अपने विंडो शेड्स के पास लगाते हैं। सो इसे सेमी शेड में ही रखा जाए तो बेटर है, इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आप स्नेक प्लांट लगाएं, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप इसे सेमी शेड पे लगाएं। इसे जनरली इंडोर प्लांट ही कहा जाता है। अगर आप लिविंग रूम, बेडरूम या ड्राइंग रूम एरिया में भी आ रहे हैं तो आप जिस भी एरिया में आप लगाते हैं, फर्स्ट थिंग तो ये ऑक्सीजन लेवल जो होता है या ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो उस एरिया में इंक्रीज़ करता है। स्ट्रेस जो है, अगर आप बेडरूम्स वगैरह में लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेस कम करने का या रिड्यूस करने का काम करेगा। स्टडी एरियाज़ में अगर आप लगा रहे हैं इसे, तो स्टडी एरिया में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे ये बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करता है। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप इसे लिविंग रूम में लगाते हैं या स्टडी रूम में लगाते हैं या आपने बेडरूम्स के विंडोज़ के पास लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एम्बियंस लुक भी देता है। साथ में आपके जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या जो एनवायरनमेंट है, उसको आपको हेल्थी बनाता है, एम्बियंस बनाता है। इसके अलावा वास्तु डायरेक्शन की अगर बात की जाए कि वास्तु प्लांट को किस डायरेक्शन में रूम या लिविंग रूम या गार्डन या फिर ओवरऑल आपके हाउस के किस डायरेक्शन में लगाया जाए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ईस्ट एरिया है। ईस्ट लाइन में अगर आप लगाना चाहें स्नेक प्लांट को, चाहे आपके रूम का ईस्ट लाइन हो, चाहे आपके लिविंग रूम का, मतलब किसी भी एरिया का ईस्ट डायरेक्शन जो आ रहा है, चाहे आप रूम पर लगा रहे हों या चाहे आप ओवरऑल प्लॉट एरिया का डायरेक्शन देखें, तो ईस्ट एरिया में लगाइए। साथ में सेकेंड ऑप्शन है साउथ या फिर साउथ ईस्ट एरिया, जो किचन एरिया होता है उसके भी बाहर आप इसे सेमी सेट पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये एयर जो टॉक्सिन्स होते हैं एयर से या जो आसपास एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिसिटी होती है उसे ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई अगर आप ऐसे एरिया में लगाना चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाए, तो उस एरिया में भी आप इसे लगा सकते हैं। बट डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि ईस्ट लाइन, साउथ लाइन या साउथ ईस्ट एरिया में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप स्नेक प्लांट लगाएं तो इसके आसपास अदर इंडोर प्लांट जो है या अराउंड में, या फिर फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें एक पॉट में काफ़ी सारे डेकोरेशन वाइज देखा जाए तो काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स को हम एक ही पॉट में लगा देते हैं या एक ही एरिया में काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हम एक साथ रख देते हैं, तो वो चीज़ स्नेक प्लांट के साथ आप ना करें तो बेटर है। स्नेक प्लांट को आप अलग से ही लगाएं ताकि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है या जो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करता है उसे ये फ्रीली रिलीज़ कर पाए। सो बेटर है कि आप अगर एक पॉट पे स्नेक प्लांट लगा रहे हैं तो इसे अलग ही लगाएं, अलोन ही लगाएं, और इसे बिल्कुल आसपास जो अदर इंडोर प्लांट्स हैं उनसे आप थोड़ा दूर रखें, ताकि ये फ्रीली जो रिलीज़ करेगा, दैट मीन्स जो एयर प्योरीफिकेशन वर्क है या एयर में जो ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा वो उसे फ्रीली रिलीज़ कर पाए। अदर जो इंडोर प्लांट्स हैं वो इसके जो रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी है और जो ऑक्सीजन प्योर करने की या प्योर ऑक्सीजन रिलीज़ करने की या ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन रिलीज़ करने की जो कैपेबिलिटी है उसे कम ना करें। होपफुली आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड फॉलो करिएगा। साथ में आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।